नमस्कार, आप देख रहे हैं शब्द सांची का स्तंभ विज नारी। हमारे ये स्तंभ उन महिलाओं पर केंद्रित है जो अपने दायित्वों को निभाने के साथ ही अपने जीवन को एक नया आयाम देने में सफल होती हैं, अपने जीवन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए संघर्ष करती हैं और अपने जीवन को सार्थक करने के लिए, उसे और निखारने के लिए अपनी जिम्मेदारियों को दरकिनार भी नहीं करती, जिनका अंदाज ना केवल दुनिया से जुदा बल्कि काबिल तारीफ भी होता है और औरों के लिए एक सबक भी बन जाता है। ऐसी ही महिलाओं को आपके समक्ष लाने के लिए हमारा ये मंच तत्पर है जो हमारे लिए प्रेरणा स्रोत बनती हैं। तो आइए आज हम आपको मिलवाते हैं ऐसी ही शख्सियत से जो ना केवल अपनी घर गृहस्थी के दायित्वों को पूरा करती हैं बल्कि कबड्डी भी खेलती हैं, और ऐसा खेलती हैं कि वो इस खेल के लिए हमारे देश की शान बन गई हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अपने शहर की बहू दर्शना वाकड़े जी की। दर्शना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम विजनारी में। धन्यवाद। दर्शना जी, पहले तो हम आपको उस उम्र से जानना चाहेंगे जब आप छोटी बच्ची थीं। कैसे खेलों के प्रति आपका रुझान हुआ, क्या आपके स्कूल में इसमें अहम भूमिका निभाई? जी बिल्कुल, मेरा बचपन से ही खेल के प्रति रुझान रहा है, क्योंकि पढ़ने में थोड़ा कम थी। अच्छा अच्छा। पर खेल में रुझान मेरा हमेशा से रहा है, क्योंकि मैंने पहले खो खो खेला। खो खो में मेरा सिलेक्शन फर्स्ट टाइम में ही मेरा सिलेक्शन नेशनल के लिए हुआ था। जी, तो नेशनल खेलने के बाद में मुझे थोड़ा सा और उसका लगा कि जब नेशनल एक बार हुआ तो आगे भी खेलना चाहिए। अच्छा अच्छा। तो मैंने उसको कंटिन्यू रखा। अच्छा, मतलब खो खो से कबड्डी में आ गए? नहीं, फिर खो खो में सिलेक्शन हुए, दो साल मेरा नेशनल में सिलेक्शन हुए। हाँ। पर तीसरे साल कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि मेरा सिलेक्शन कट गया था। अच्छा, तो मेरा अच्छा। थोड़ा सा मेरा मनोबल गिरा कि यार क्यों कटा मेरा। हाँ। दो, पहली बार खेलने के बाद तो मेरा सिलेक्शन हुआ। हाँ, अब दो हाँ। साल से कंटिन्यू खेल रही हूँ और सिलेक्शन नहीं हुआ। तो फिर मैंने स्पोर्ट्स में होते हैं, खो खो था, फिर कबड्डी में मैंने पार्टिसिपेट किया। अच्छा, मैंने कहा कबड्डी में किया जाए पार्टिसिपेशन, पर उसमें मेरा फर्स्ट टाइम में सिलेक्शन हो गया नेशनल के लिए। अच्छा अच्छा। और उस वक्त क्या सपने इन आँखों में संजोए थे जब जवानी की दहलीज पर आ रही थी? सपने वैसे तो खेल के लिए रुझान तो था कि अपने इंडिया के लिए खेलना है। अच्छा। एक टारगेट बनाया हुआ था कि अगर मैंने अब प्रदेश के लिए खेला है तो मैं इंडिया के लिए भी खेलूं। ये मेरी बचपन से ही एक रुचि थी और वो जरूर पाने के लिए मैंने प्रयास बहुत किया और बहुत मेहनत भी की। तब ये राष्ट्रीय प्रतियोगिता में चयन हो चुका था? जी हाँ, प्रतियोगिता में सिलेक्शन हुआ मेरा और वहाँ पर भी मुझे बेस्ट प्लेयर का अवार्ड मिला नेशनल में। जी जी जी। तो उत्कृष्ट खिलाड़ी के रूप में अब तक कितने अवार्ड आपके नाम हो चुके हैं? हाँ, गिनती तो नहीं है मैडम। फिर भी हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। बिल्कुल, काफ़ी जितने टूर्नामेंट प्रतियोगिता हुई जिसमें नेशनल हुए, नेशनल में मुझे बेस्ट प्लेयर का फर्स्ट डे का मैन ऑफ द मैच मिला। हाँ। मैन ऑफ द वन डे मिला। हाँ जी, तो हर जगह मुझे कुछ ना कुछ या तो कैश प्राइज मिला, तो पहली बार तो वही लगा कैश प्राइज मिला, मतलब कितनी बड़ी बात। बहुत अच्छा लगा, मतलब उत्साह अपने आप बढ़ जाता है। फिर ऑल इंडिया टूर्नामेंट हुए जी, उसमें मुझे एक बार साइकिल मिल चुकी है। अच्छा अच्छा। जी हाँ, सोने की चेन मुझे मिल चुकी है। तो इसमें मेरा इंटरेस्ट होता गया कि लग रहा था कि अब इसको छोड़ना नहीं है, अब तो खेलते जाना है, पर इंडिया को मेरे को मुझे करना था रिप्रेजेंट, वो मेरे दिमाग में था बिल्कुल। ये सब चीज ठीक है। बहुत बड़ा नाम आता है विक्रम पुरस्कार का। जी हाँ। तो वो कब मिला आपको? जी मुझे, मैंने 2006 में पहले इंडिया को रिप्रेजेंट किया। जी जी। साउथ एशियन गेम्स कोलंबो में। उसके बाद अपने शासन ने, मतलब मध्यप्रदेश शासन ने मुझे 2007 में विक्रम पुरस्कार से नवाजा था। वाह वाह। दर्शना जी, हमारे युवा वर्ग में आजकल ये धारणा देखने को मिल रही है कि शादी तरक्की की राह में एक बाधा बनती है, रुकावट बनती है, पर आप रुकी नहीं, बढ़ती चली गई, तो ये कैसे हुआ? नहीं, इसका श्रेय मैं पूरे अपने इन-लॉज़, मतलब ससुराल वालों को ही दूंगी, क्योंकि जिस दिन मैं शादी करके आई थी, मैंने पहली बात तो मेरी शर्त पे शादी हुई थी कि मैं अच्छा, अच्छा। इंडिया के लिए खेलना चाहती हूँ तो आप मुझे सपोर्ट करें। तो उनका भी कहना था कि नहीं, अगर तुम्हारा ये लक्ष्य है तो हम भी इसको, हम तुम्हारे साथ में हैं और ज़रूर इसको हम भी तुम्हारे साथ पूरा करेंगे, और वो उन्होंने किया। कभी मुझे इस चीज़ के लिए नहीं, मतलब मुझे एक बहू ही बेटी की तरह उन्होंने रखा और अभी तक मेरा सपोर्ट करते आए हैं, और इसके लिए मैं उनका थैंक्स कहूँगी कि उन्हीं की वजह से मैं हूँ आज यहाँ तक। तो ये उनका सपोर्ट था जो आप आगे बढ़ती गई? जी जी बिल्कुल, कोई रुकावट नहीं है इसके लिए, उन्होंने कभी मुझे प्रेशराइज नहीं किया। हाँ, घर है तो आप बहू हैं तो ये आपकी जिम्मेदारियां पूरी करो। मैंने कि ये हमारे समाज में देखने को मिलता है ना जी, कि भाई एक तो नई बहू आई है तो वो
पहले तो कुछ दिन तक अपना काम रोकती है कि भाई है ना कुछ नहीं, उन्होंने कभी मुझे रोका नहीं, बल्कि जब से मैं आई, क्योंकि मैंने भी उनको कभी मौका नहीं दिया इस चीज़ का कि घर में जो काम है बराबर मैंने अपने काम भी किए और खेलने भी जाती थी, तो उन्होंने भी मुझे कभी रोका और मैंने भी कभी अपने काम से मतलब ये नहीं किया कि मुझे काम अपनी जिम्मेदारियां निभाएं और काम अपनी जगह काम अपनी जगह है और तो कितने दिन का आपने मतलब ब्रेक लिया कि कंटिन्यू काम करती रही? मैंने 2003 में मेरी शादी हुई थी जी जी, उसके बाद मैं रीवा आ गई, 3 के बाद मैं 2006 में खेला, तो नेचुरली 3 साल की इस प्रैक्टिस के बाद ही मुझे अचीवमेंट इंडिया खेलने को मिला। अच्छा, तो तब से उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया मुझे, फिर 2006 में मुझे जब गोल्ड मेडल मिला CFGM में, फिर अवार्ड मिला 2007 में, उसके बाद फिर विराम हो गया मेरे खेल जीवन में। अच्छा जी, अभी आप सरकारी नौकरी भी कर रही हैं जी, तो ये कैसे मैनेज करती हैं कि उसके साथ क्या खेलना हो पाता है? नहीं, एक्चुअली ये सरकारी नौकरी मुझे खेल कोटे से ही प्रोवाइड की है, मध्य प्रदेश शासन ने ही प्रोवाइड किया है मुझे, इसमें एक एज लिमिट है उसमें। अच्छा, 35 के बाद नेचुरली खेल नहीं पाता है कोई, पर फिर भी मैंने एक इसके बाद खेलना छोड़ दिया। महिलाओं के लिए ये एज लिमिट है जी, एज लिमिट उसमें है, 35 के बाद नहीं हो पाता है, पर फिर भी जिसको खेलना है खेल सकता है, और मैं आज भी अपने डिपार्टमेंट के लिए खेलती हूँ, जब टूर्नामेंट होते हैं मैं आज भी पार्टिसिपेट करती हूँ, खेलती हूँ डिपार्टमेंट के लिए सिविल सर्विसेज में, और अब जब आप प्रो कबड्डी जैसे खेल प्रतियोगिताओं में निर्णायक की भूमिका अदा कर रही हैं, तो अब ये मैनेज करना मुश्किल होता है? मैनेज करना इसलिए मुश्किल है क्योंकि देखिए प्रो कबड्डी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जी जी, जिसमें काफी स्टार इसमें जुड़े हुए हैं, अभिषेक बच्चन जी हैं, अच्छा अमिताभ बच्चन मतलब जी हैं, फिल्म स्टार जुड़े हुए हैं, ये मैं दर्शकों को जानना बहुत जरूरी है, है ना, थोड़ा सा आकर्षण यही पे बन जाता है। बिल्कुल, तो ये काफी प्रोफेशनल गेम है और इसमें अक्षय कुमार जिसे सचिन तेंदुलकर ने भी अपनी टीम ली हुई है जी जी, तो उसमें क्या है कि इसको काफी टाइम देना पड़ता है, 3 मंथ्स का पीरियड होता है जी, तो ये मेरे लिए मैंने 1 साल किया है और उसमें काफी अच्छा अनुभव रहा मेरा 3 महीने का, और इसमें अब ये होता है कि 3 महीने अपनी फैमिली से और जॉब में हो तो नेचुरल इतना नहीं हो पाता, है। लेकिन तो, उन खिलाड़ियों से मिलके बहुत प्रसन्नता होती होगी कि है ना, और कुछ हमारे प्रदेश से भी आते होंगे जी जी जी, तो कुछ बताएंगे इसमें अनुभव कैसा रहा, कोई ऐसा मिला आपको? अभिषेक जी से मुलाकात हुई थी जी जी, अभिषेक जी से मुलाकात हुई, बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके। तो हमारी युवा पीढ़ी को भी यहाँ पर थोड़ा सा संदेश दे दीजिए कि वो अपना खेलने का और जीतने का जज्बा जो है वो बरकरार रखें। बिल्कुल, मैं ये सभी लड़कियों और महिलाओं से यही कहना चाहूंगी कि अपनी जिम्मेदारियों के साथ में खेल, चाहे कोई हो, कबड्डी हो चाहे कोई भी खेल हो, जी हाँ जी जी, उसमें अपनी सहभागिता करते हुए जरूर आगे बढ़े। खेल से जीवन, सबसे पहले खेल का उसमें नियम है अनुशासन। हाँ, और मुश्किलें तो आती हैं, देखिए उनको तो दरगुजर करना पड़ेगा। अब एक लड़की के जीवन में आए हैं तो ये तो होना ही है, पर इन सबको अलग करते हुए हम ये चाहेंगे कि बिल्कुल आगे बढ़ती रहे महिलाएं, और महिला सभी महिलाओं को मेरा ये मतलब मैं उनसे आग्रह करूंगी कि गेम्स हो या किसी भी फील्ड में हो, महिलाएं जरूर आगे जाए। तो आप जो भी अभी खेल व्यवस्थाएं चल रही हैं हमारी शिक्षा के साथ जी जी, हमारे स्कूलों में कैसी व्यवस्था है खेलों की, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगी आप? ज़रूर ये बताना चाहूँगी कि अभी कुछ जगहों पे खेल व्यवस्थाएं प्रॉपर नहीं है जी, और हम देखते हैं कि कुछ बच्चों का रुझान होता है जी, खेलों जी, की तरफ जी, और अक्सर ऐसा भी होता है कि पढ़ाई में थोड़ा सा कम है नहीं है ना, पढ़ाई में कम है ठीक है, पर आप अगर खेल में अच्छे हैं जी तो दोनों बातें मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है जी जी, पर फिर भी कर सकते हैं। और अभी यहाँ पर मैंने देखा है कि कुछ अभाव ये है कि कुछ जैसे अभी कबड्डी में मैट है, मैट तो हमें मिल गया प्रोवाइड हो जाता है, पर जैसे मैट पे खेलने के लिए शूज चाहिए जी जी जी, तो शूज के लिए बच्चों के इतने कुछ बच्चे इतने पुअर रहते हैं कि वो अफोर्ड भी नहीं कर पाते कि शूज ले सके, क्योंकि कॉस्टली आते हैं उनके हिसाब से, तो वो अफोर्ड नहीं कर पाते। पर हमने उनसे यही कहा है कि देखो आज आपकी मेहनत ही आपको आगे ले जाएगी जी, और इसी में आप कुछ अच्छा करके, अच्छा अपना नाम करके पैसा भी कमाओगे और सब कुछ होगा इसमें। मतलब खेलना बहुत जरूरी खेलना है, और इसमें एक अलग उत्साह है बिल्कुल, है ना बिल्कुल, और कहते हैं कि
एक्सरसाइज भी होती है बच्चों की जी जी, है ना, तन मन स्वस्थ रहता है, स्वस्थ रहता है, फिटनेस तो जरूरी है। आज के देखिए योगा हो चाहे कुछ भी हो, फिटनेस बहुत जरूरी है जी जी। खेल जीवन में आपका अनुशासन, फिटनेस दोनों, और एक ऊर्जा बनी रहती है खेल से, बिल्कुल, और उत्साह भी, उत्साह है ना, उत्साह जो जीने के लिए शायद बहुत जरूरी है। अभाव जो होते हैं जी, है ना, काफी लोग इसका सामना करते हैं जी जी, वो किसी व्यक्ति को आगे बढ़ने से कैसे रोकते हैं? कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसी परेशानियां रहती हैं तो हम आगे नहीं बढ़ पाते जी। कैसे कोई महिला खासकर इन परेशानियों से निकलकर अपना एक मकाम हासिल करे जो वो चाहती है? देखिए, अभाव कहा जाए तो अभाव महिलाओं के लिए सिर्फ ये है कि सपोर्ट, फैमिली सपोर्ट जी। फैमिली सपोर्ट अगर होगा तो वो महिला कहीं नहीं रुकेगी, चाहे बाहर हो चाहे कहीं भी हो, उसको अगर किसी भी चीज़ का अभाव, इन द सेंस बाहर भी जाए, जैसे घर से परमिशन मिल गई है पर बाहर जा रही है तो रास्ते चलते किसी ने छेड़ दिया, हाँ हाँ, तो अब वो ये मजबूती चाहिए, मजबूती चाहिए, ये बात वो घर में बताएगी हाँ हाँ, मुझे आज किसी ने छेड़ा, मुझे ऐसा किया, तो घर वाले नेचुरली उसका निकलना ही बंद कर देंगे। ये बहुत सारी ऐसी बातें होती है जो महिलाओं को फेस करनी पड़ती है, और आज के जमाने में मैं नहीं मानती कि ये कोई बातें बहुत बड़ी हैं। आजकल महिलाएं खुद निपटने में सक्षम है हर चीज में। हाँ, तो ये होना चाहिए, होना चाहिए, बिल्कुल। अभाव तो खैर किसी चीज का नहीं है। पहले क्या होता था कि पहले हमारे यहाँ खिलाड़ी होते थे जी, पर सुविधाएं कुछ नहीं होती थी। आज सारी सुविधाएं हैं पर खिलाड़ी नहीं बन पा रहे हैं, खिलाड़ी नहीं बन रहे, और खासकर महिलाएं नहीं निकल पा रही, महिलाएं निकल पा रही हैं। तो इसका इंटरेस्ट बोल लीजिए या जो भी हो, फैमिली सपोर्ट बोलो, जो भी हो, क्या नहीं है समझ में नहीं आया, पर मैं ये चाहूंगी कि मैं सभी से निवेदन करना चाहूंगी कि अपनी लड़कियों, बहू बेटियों को बाहर जरूर निकालें जी जी, बाहर का माहौल दें उनको, ताकि वो अच्छे से अपने आप को सर्वाइव कर पाए। ये जो छोटी छोटी परेशानियां हैं इन्हें आना चाहिए, है ना, खुद हैंडल करना आना चाहिए जी जी, बिल्कुल। और अगर आप खेल रहे हैं तो थोड़ा सा आपको स्ट्रांग भी होना चाहिए, अपने आप ही आप खेलेंगे, अपने आप में ही आपको एक पावर आ जाती है कि कोई कैसे कैसे बोला है, हमें घर में जरूरत ही नहीं बताने की, हम खुद ही नहीं पढ़ लेते जी 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 जी। हमारे साथ होना चाहिए, हमारे साथ भी हुआ है, कई बार हम जा रहे थे, जैसे इंदौर में मैं प्रैक्टिस करने के लिए जाती थी, तो ऐसे कई बार लड़के मिले जिन्होंने छेड़ने की कोशिश की, साइकिल से टक्कर मारे, हमने साइकिल रोके, हमने ही खुद उनको अब बताओ क्या बोल रहे हो, जी। इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि हम पूछ सकें, पूछ सकें। तो उसके बाद क्योंकि ये सबको फेस करना है, अगर हम कहीं पर कोई भी तैयारी कर रहे हैं तो भाई उसके लिए प्रैक्टिस जरूरी है, है ना, और खेलों के लिए तो बहुत जरूरी है, इससे स्ट्रांग बनते हैं जी जी, मतलब अपने आप में ये कॉन्फिडेंस आ जाता है कि नहीं, हमें खेल खेलने से किसी से हम डरना ही नहीं है, हम तो खुद ही सक्षम है सबसे निपटने के लिए। अच्छा, घर परिवार की देखभाल, नौकरी के साथ खेल भी, ये सब कैसे कर पाती हैं आप? कभी ऐसा नहीं लगता कि अब बहुत कुछ हासिल कर लिया है, विक्रम अवार्ड मिल चुका है, नौकरी, गोल्ड मेडल, अब आराम करें, घूमने फिरने कहीं भी जाएं परिवार के साथ, ऐसा नहीं लगता? नहीं लगता तो है, मतलब ऐसा नहीं है हाँ हाँ, लगता है, पर अभी यही टाइम है अपने मतलब फैमिली के लिए अभी तक तो हमने अपने लिए किया जी जी, अब फैमिली के लिए है, फ्यूचर में हमारे मेरे बच्चे भी हैं, दो मैं उनके लिए भी चाहूंगी कि अब वो भी जैसा हमने अचीवमेंट किया वो भी कुछ ऐसा हासिल करें, हाँ, तो इसके लिए मुझे उनको भी सिखाना है ना, अभी से मगर अब घूमने फिरने के लिए तो है, ये बात सही है, पर जब मौका मिलता है जरूर जाते हैं, ऐसा नहीं है। और दिनचर्या कैसी रहती है इन सारे कामों के साथ, प्रैक्टिस, जो हमारा युवा वर्ग देख रहा है उनको लगे कि भाई हमें भी अपने आप को इस तरह से बनाना है? नहीं, मैं पूरे टाइम एक्टिव रहती हूँ हर चीज में, चाहे घर में काम हो, चाहे घर में कोई फैमिली फंक्शन हो, चाहे वो ऑफिस में हो, ऑफिस में भी एक मजबूती के साथ डटी रहती हूँ वहाँ पे भी, और शाम तो काफी एक्टिव रहती हूँ जी हूँ, एक्टिव हूँ, और यहाँ ऑफिस से फिर मैं जाती हूँ यहाँ पर टीआरएस में अपनी कोचिंग करती हूँ मैं कबड्डी की, अच्छा अच्छा, तो वहाँ काफी बच्चे आते हैं मेरे पास कबड्डी सीखने के लिए, तो मैं कोचिंग भी देती हूँ यहाँ से जाने के बाद, फिर यहाँ से जाने के बाद फिर मैं अपने बच्चों को भी टाइम देती हूँ पढ़ाने के लिए, और उसमें वो बताएंगे कि महिलाएं कितनी अभी आ रही हैं। महिलाएं तो मेरे पास काफी है, लड़कियां इसमें अभी 15-20 लड़कियां आ रही हैं, और वो भी मतलब बस चाह रही है कि हम भी दीदी आप ऐसा बनना चाहेंगे, हाँ, लगन अभी, मतलब लगन अभी दिख रही है, दिख रही और हमारे शहर में दिख रही, दिख है, रही है, ये बहुत बड़ी बात ऐसा है। कुछ लोग तो ऐसा बोलते हैं कि कबड्डी का माहौल ही मेरे आने से हुआ, ऐसा बताते हैं, हाँ, और ऐसा बोलते हैं, मुझे अच्छा लगता है, हमें भी लगता है, हमें भी लगता है जी जी, की एक कोई ऐसा होना चाहिए ना जिससे प्रेरणा मिले, बिल्कुल, तो तब लोग आगे बढ़ते हैं। कबड्डी गेम क्या है कि जी
मतलब जनरली कोई लाइक नहीं करता है। हाँ. कबड्डी मतलब लगता है पावर का गेम है और खूब लड़ना भिड़ना पड़ता है, ऐसा हाँ, कुछ हाँ. नहीं है। कबड्डी टेक्निक का गेम हो गया टोटल। हाँ, हाँ. टेक्निक से खेलते हैं, मतलब दाव पेच है, दाव पेच है, दाव पेच तो है ही है, दाव पेच मतलब दिमाग से खेलना है, दिमाग उसको, से हाँ. खेलना है, अब पावर तो चाहिए, उसके बिना तो होगा नहीं है, और इतनी पावर भी नहीं चाहिए कि आप मतलब ग्राउंड में खड़े नहीं हो जितने पाए। सभी खेल है हमारे पास जी उसमें जी भी दाव पेच है, दाव इसमें पेच बहुत अहम है। अहम है। जी हाँ जी जी हाँ अच्छा, सरकार से आप क्या अपील करेंगी कि महिलाओं के लिए जो अपना खेल जो मकसद जी मानती जी हैं जी उनके लिए क्या किया जाए? सरकार उन बहू बेटियों को और हमारी लाडली बहनों को जो सुविधाएं दे रही है वो तो दे रही है, पर जी खेल में भी उनको जिस जैसे ग्राउंड की कमी है, जी कोचेस की कमी है, अगर वो इनको भी पूरा कर दे तो हम आगे बढ़ सकते हैं और एक इसमें। सुरक्षा का भी थोड़ा सुरक्षा, जी ख्याल हाँ जी हो। हाँ, एक प्रोटेक्शन दे दें कि हाँ यहाँ पर इतनी लड़कियाँ प्रैक्टिस कर रही हैं, तो एक हमको मतलब किसी गवर्नमेंट की तरफ से या कोई हमको प्रशासन की तरफ से कोई सिक्योरिटी या कुछ मिल जाए तो भी हम हाँ, कर सकते हैं, क्योंकि पेरेंट्स भी चाहते हैं पेरेंट्स भी कि थोड़ा चाहते हैं। सा जी हाँ सेफ्टी जी हाँ रहे। जी हाँ जी हाँ यदि आप खिलाड़ी नहीं होती जी तो आज हम आपको कहाँ देखते? मेरा सपना मतलब कोई और भी प्लान था आपकी जिंदगी में? सपना तो था मेरा, जी मेरा बचपन से मेरा एयर होस्टेस बनने का सपना था कि मैं एयर होस्टेस बनूं, पर बाद में समझ में आया कि एयर होस्टेस भी ज़्यादा वो नहीं है, पर था मन में कि कभी एयर होस्टेस बनूं, पर गेम्स में आने के बाद तो फिर सब छूट गया। अभी कोई है ऐसा स्पोर्ट्स पर्सन यहाँ रीवा में जो और भी जो खेलों को बढ़ा रहे हैं? जी हाँ, अभी एक संस्था और चलती है यहाँ पे जी जिला, तो रीवा जिला, मैं यहाँ एक्चुअली रीवा कॉरपोरेशन चलाती हूँ जी और एक जी जिला भी है, वो साथ में हमारे साथ मिलके हम लोग कबड्डी गेम को आगे बढ़ा रहे हैं, और निश्चित मतलब यहाँ के प्रयास हो रहे हैं बिल्कुल अपनी प्रयास, जगह बिल्कुल पे। प्रयास कर रहे जी हैं जी और कामयाब भी हुए हैं। अभी जितने अच्छा, टूर्नामेंट होते हैं उसमें रीवा की लड़कियाँ ही पोजीशन लगाती हैं। जी, वाह। फर्स्ट सेकंड लग जी जी ही जी रहा है। जी अभी नेशनल हुए थे अभी 10 से 13 दिसंबर में जी मतलब पंजाब में हुए थे, तो मैंने भी उसमें निर्णायक की भूमिका निभाई थी, मुझे भी बुलाया गया था, और इसमें अपने यहाँ की दो लड़कियों ने पार्टिसिपेट किया था, नो डाउट बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा उनका, और रीवा की लड़कियों का तो भी बहुत नाम चल रहा है एमपी मतलब गेम्स आप में। जी हौसला हाँ बढ़ा रही जी, हैं बिल्कुल, उनका। मेरा हौसला हमेशा उनके साथ में है। जी 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 बिल्कुल सामाजिक जीवन और खेल में अपना गुरु या आदर्श कह लें, आप किसे मानती मैं हैं? अपनी माँ को मानती हूँ। मतलब घर में ये माहौल जी था जी हाँ, आपके? मेरी माँ शुरू से, एक्चुअली मेरी जी माँ का भी इंटरेस्ट खेल में रहा है, वो भी कबड्डी की प्लेयर रह चुकी थी, अच्छा, मतलब तो घर में मुझे शुरू से ही माहौल ये मिला है आपको खेल में। मिला है। जी हाँ जी हाँ, माहौल शुरू से ही मुझे घर में मिला है, तो वही मैं आज कर रही हूँ। वो मेरी क्या माँ खेलती थी? वो कबड्डी की प्लेयर थी, मेरा ब्रदर जो है वो साइकिल पोलो का नेशनल प्लेयर, मेरी सिस्टर भी है वॉलीबॉल खेलती, वॉलीबॉल की, वो भी पूरा नेशनल प्लेयर है। पारिवारिक माहौल जी मिला हाँ है जी आपको हाँ जी हाँ खेल जी हाँ का? जी हाँ, खेल का माहौल मिला है, तो मैंने उसको कंटिन्यू किया है कि चलो ये सब है तो मैं भी खेलूंगी, तो इसमें काफ़ी सपोर्ट है मेरी माँ को मानूंगी मैं, अच्छा, और कुछ मेरी, हाँ जी परिवार ऐसे हैं जो जी ये नहीं समझते जी है ना जी खेलों की क्या अहमियत है, वो नहीं समझते और जी पारिवारिक ऐसा माहौल भी नहीं मिलता नहीं उनको, पर मिलता। कुछ बच्चे ऐसे निकलते हैं जिनके अंदर होती है ये योग्यता जी 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 है ना, जी तो उनको कैसे परखा जाए? कुछ कहना चाहेंगे इसमें? मतलब माँ बाप कैसे समझे उन्हें? उनको तो देखिए हम लोग कन्विंस करना पड़ता है, क्योंकि मेरे यहाँ भी बच्चे आते हैं तो उनके पेरेंट्स थोड़ा सा मना करते हैं, पर उनको हमें समझाना पड़ता है कि आप उसको उनको हाँ ऐसा मत सोचिए कि एक तो कबड्डी गेम, उसके ऊपर से ये शाम को आती है या प्रैक्टिस करती है तो ये शाम को अंधेरा हो गया, आप उनको बिल्कुल छोड़ दीजिए, वो आपको अच्छा रिजल्ट देंगी और अच्छा ही करेंगी इसकी और हम, हाँ, खासकर पर कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, भी पढ़ नहीं रहा है बच्चा हाँ अगर, पढ़ते हैं वो तो फिर वो कहते हैं भाई गेम की वजह से बिगड़ भी, रहा है हाँ कुछ, यहाँ हाँ ऐसी भी जरूर, धारणाएं बिल्कुल मिलती बिल्कुल, आए हैं हैं। मेरे पास 2 दिन केस जी आए जी हैं जिसमें कहते हैं कि आपके यहाँ आते हैं तो बच्चे पढ़ते नहीं हैं, तो हमने ये कहा कि देखिए बच्चा 4 से 4:30 से 7 हमारे पास आता है, जी 4 से पहले ही पढ़े, 7 के बाद पढ़े, और कोई भी बच्चा मुझे लगता है वो टाइम पे पढ़ाई करता होगा, हाँ कोचिंग क्लासेस वगैरह है बात अलग है, पर उस टाइम लगता है कुछ ना कुछ एक्टिविटी या कुछ भी कर ले, ऐसा होना चाहिए, और खेल तो अच्छा ही है जीवन में, खेल मतलब रनिंग एक्सरसाइज पूरी तरह फिटनेस फिट बनी रहती है फिटनेस उसमें, तो उसमें तो हम चाहेंगे कि कोई परिवार मना ना करे, कोई एक सेल्फ डिफेंस के लिए भी और सभी चीज़ के लिए जरूरी है महिलाओं को। और कहते भी हैं कि स्वस्थ तन स्वस्थ मन। जी हाँ जी 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 जी
है ना, मतलब और भी स्पोर्ट्स जो हैं तो उनका क्या है हमारे शहर में, मतलब इसके अलावा कबड्डी के अलावा आप क्या देख रही हो रहा है? देख रही हूँ बहुत ज़्यादा टूर्नामेंट्स वगैरह होते हैं, अभी ऐसे आपका वॉलीबॉल हुआ था जी, अभी बेसबॉल हो रहा है, हैंडबॉल हो रहा है, तो काफ़ी लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं। मतलब कहा जाए तो रीवा में पूरी तरह से खेल का माहौल बन रहा है, अच्छी तरह बन गया है जी। तो देख के अच्छा लगता है कि खेल का माहौल होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। हम तो यही कहेंगे कि भाई एक जो सबसे पहला है, जैसे माँ भी है अपने बच्चों के साथ, पहले खेलती है, सिखाती है, है ना, तो वो एक होता है कि भाई बच्चों में उस टाइम से आ जाती है ये चीज़ें कि खेल खेल में सीखना है। तो हम अगर पढ़ाई की भी कहीं पर कमी है बच्चे में, तो वो भी हम उनको खेल के ज़रिए सिखा सकते हैं, है ना। तो खेल बहुत अच्छा माध्यम हो सकता है। दर्शना जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आने के लिए और युवा प्रतिभाओं का मार्गदर्शन करने के लिए। आपकी बात सुनकर ज़रूर उनका उत्साह बढ़ा होगा। फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत से कार्यक्रम विजनारी में, तब तक के लिए जुड़े रहिए शब्दसाची से। अब दीजिए इजाज़त न्याजिया को, नमस्कार।